हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हमारे इंडियन सिनेमा की एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर मिस्ट्री मूवी माया को, जो 2015 में आई थी। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है, इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और ऑडियंस ने तो इसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। साथ ही ये एक हिट मूवी थी, क्योंकि इस मूवी ने अपने 10 करोड़ के बजट में 40 करोड़ की कमाई की थी, जो एक हॉरर मूवी और बिना किसी मेल स्टार के काफी बात है। मेरी सलाह है, आप बेहतर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन यूज करें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत अंधेरे से होती है। हमें माया नाम की एक लड़की रोते हुए सुनाई देती है। दो लोग माया से उसके बच्चे को लेकर मजाक कर रहे थे। फिर हमें सुनाई देता है माया ऊपर जा रही है। वो दोनों आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं से नीचे कूद जाती है। फिर हमें एक व्हीलचेयर पर बैठी एक लड़की का स्केच दिखाया जाता है। उस घर में दो आदमी वसंत और कमल पत्ते खेल रहे थे। अभी रात का समय था और लाइन भी नहीं थी। वसंत फिल्मों के लिए स्केच बनाता है। अब वसंत कमल को बताता है, कल उसे एडिटर ने एक हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट भेजी थी। उसने स्टोरी पढ़कर स्केच तो बना दिए, लेकिन 12 बजने के 5 मिनट पहले उसे हॉस्पिटल की स्मेल आई। वो आगे बताने ही वाला था, लेकिन तभी उसका फोन बजता है। फोन में लिखा था डोंट पिक अप। फोन साइलेंट करके वसंत कमल को बताता है वो एक माया नाम की लड़की की कहानी है। वसंत कहानी सुनाता है। एक आदमी अंधेरे में बचकर भाग रहा था। एक जगह पहुंचकर वो कहता है, माया तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है। वो 3 बार इस लाइन को दोहराता है, लेकिन तब वहां माया आ जाती है। ये कहानी सुनकर कमल कुछ खास नहीं डरता। वसंत बताता है उस कहानी के एंडिंग में एक वार्निंग लिखी थी कि ये लाइन 3 बार कभी ना बोले। वसंत का भूत जैसी चीजों पर यकीन नहीं है, लेकिन कल रात उसने ये लाइन 3 बार बोली। तभी उसकी आंखों पर किसी ने हाथ रखा। जब उठकर उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। ये सुनकर कमल पहले थोड़ा डरता है, लेकिन बाद में वसंत का मजाक बनाने लगता है। लेकिन वसंत इसे सच बता रहा था, इसीलिए कमल मोमबत्ती बुझाकर ये 3 बार कहने वाला था। वसंत उसे लगातार मना कर रहा था, लेकिन कमल 3 बार बोल देता है, माया तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है। तब कुछ सेकंड्स बाद वसंत के पीछे का दरवाजा खुलता है। वहाँ एक औरत खड़ी थी। पलक झपकते ही वो वसंत के पीछे आ जाती है। ये देखते ही कमल गिर जाता है, लेकिन यहाँ पता चलता है ये वसंत का प्रैंक था। वो लड़की कमल की बीवी है और आज कमल का बर्थडे है। अब तीनों केक काटते हैं। कमल की बीवी उसे घड़ी गिफ्ट करती है। वसंत इन सब का वीडियो बना रहा था, जिसे कुछ देर बाद वो अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कर देता है। लेकिन तब हमें पता चलता है वो वार्निंग सच थी। जो कहानी वसंत ने कमल को सुनाई थी वो सच में उसके एडिटर ने भेजी थी। बस माया का आना एक प्रैंक था। आपने नोटिस तो कर लिया होगा, ये कहानी ब्लैक एंड व्हाइट में चल रही है। इसके ब्लैक एंड व्हाइट में होने की वजह हमें आगे पता चलेगी। अब अगले दिन वसंत अपने ऑफिस आता है। लिफ्ट का वेट करते समय उसमें से वही लड़की निकलती है जिसका उसे कल रात कॉल आ रहा था। लेकिन वसंत उस लड़की को इग्नोर करके सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। अब ऊपर वो अपने एडिटर राम के केबिन के सामने आता है। उस समय राम एक फॉरेनर लड़की और किसी आदमी से बात कर रहा था। तभी वसंत को उस लड़की का फिर से कॉल आता है, लेकिन वसंत कॉल कट कर देता है। सामने देखने पर राम के केबिन में उस लड़की और राम की फोटो लगी थी, मतलब वो लड़की अंजलि वसंत के एडिटर राम की पत्नी है। अब कुछ देर बाद वसंत स्ट्रेंज असाइलम नाम की एक बुक देख रहा था। वो उसी लड़की ने लिखी थी जो कुछ देर पहले राम के साथ थी। फिर वहाँ राम आता है। राम वसंत से कल के वीडियो को फेसबुक पर अपलोड करने को लेकर नाराज था, क्योंकि राम माया की कहानी को सच मानता है। वो बताता है थोड़ी देर पहले वो जिस आदमी के साथ मीटिंग कर रहा था वो उस जंगल का फॉरेस्ट गार्ड है। उसने कंफर्म किया है माया की कहानी सच है, लेकिन वसंत को बिल्कुल यकीन नहीं होता, क्योंकि कल रात 3 बार माया का नाम लेने पर भी वहाँ माया नहीं आई थी। लेकिन तभी वहाँ मदन नाम का एक राइटर आता है। वो वसंत से सोच कर बताने कहता है कि कल रात उसके घर में कितने लोग थे। वसंत के मुताबिक वो कमल और उसकी पत्नी 3 ही लोग थे। तब मदन उसके ही वीडियो में दिखाता है उन दोनों के बीच कोई दिख रहा है, जो देखकर वसंत शॉक रह जाता है और ये सीन यही कट होता है। फिर हम आर के नाम के एक हॉरर मूवी डायरेक्टर का ऑफिस देखते हैं। ये कहानी कलर में है। वह अप्सरा नाम की लड़की आर के की अगली मूवी की हीरोइन के लिए ऑडिशन देने आई थी। वो ऑडिशन देने अंदर जाती है, जहाँ डायरेक्टर ऑडिशन लेते लेते फ्रस्ट्रेट हो गया था। अंदर आने पर आर के को अप्सरा जानी पहचानी सी लगती है। आर के की असिस्टेंट स्वाति बताती है अप्सरा अर्जुन सर
सर की बीवी है, लेकिन अब दोनों साथ नहीं रहते। अर्जुन फिल्मों में हीरो बन चुका है, अब आरके अप्सरा को कोई डायलॉग नहीं देता, उसे एक सीन बताता है जिसे अप्सरा को इम्प्रोवाइज करना है। सीन कुछ यूं है कि उसका नाम माया है, उसने लव मैरिज की है। पहली एनिवर्सरी के दिन उसे पता चला वो प्रेग्नेंट है, साथ ही उसके पति का किसी और के साथ अफेयर है। अब उसने जूस में जहर मिला दिया है और उसका पति उस जूस को पी चुका है। वो 2 मिनट में मरने वाला है, तब वो अपने पति से आखिरी बात क्या कहेगी? अप्सरा को देखकर लगता है जैसे ये उसकी ही कहानी हो। वो अपनी आंखें बंद करती है, आंखें खोलने पर उसके आंसू बह रहे थे। अप्सरा उस जूस को पीकर कहती है हैप्पी एनिवर्सरी। उसकी परफॉर्मेंस देखकर आरके इम्प्रेस हो जाता है। अब अप्सरा स्वाति के साथ कहीं जा रही थी, दरअसल स्वाति उसकी बेस्ट फ्रेंड है। अप्सरा अपनी मैरिड लाइफ को लेकर परेशान रहती है, इसीलिए स्वाति ने उसकी एक काउंसिलर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की है। तभी अप्सरा एक एटीएम के पास कार रुकवाती है, उसके अकाउंट में सिर्फ 400 रुपए बचे थे। उसने किसी एड के लिए काम किया था लेकिन उन्होंने अभी तक पैसे नहीं डाले। उनका फोन भी बंद आ रहा है। कल तक पैसे ना आने पर स्वाति उसे प्रोड्यूसर के ऑफिस जाने कहती है। एड वाले अक्सर एक्ट्रेसेस के साथ ऐसे फ्रॉड करते रहते हैं। स्वाति ने इस महीने का किराया भर दिया है। यहाँ हमें समझ में आता है अप्सरा की माली हालत ठीक नहीं है। फिर वो एक डे केयर से अपनी बेटी को पिकअप करती है, मतलब उसकी एक बेटी भी है। अब घर पहुंचकर अप्सरा अपनी बेटी को झूले में सुलाकर उसे मस्कीटो अम्ब्रेला से कवर करती है। अब दूसरे रूम में पानी पीने के बाद अप्सरा को सुनाई देता है उसकी बेटी खेल रही है। अप्सरा देखती है उस रूम की लाइट ऑफ है और मस्कीटो अम्ब्रेला गिरा हुआ है। उसके रूम में आते ही हम खिड़की पर किसी की परछाई देखते हैं, लेकिन अप्सरा उस पर ध्यान नहीं देती। उसके लाइट ऑन करके बाहर निकलते ही सामने स्वाति आ जाती है। उसे लगता है यहाँ की लाइट स्वाति ने ऑफ की थी। स्वाति बताती है बाहर उसका पति अर्जुन आया है, लेकिन अप्सरा उससे मिलना नहीं चाहती। स्वाति के मुताबिक अर्जुन ने कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं की है, लेकिन अप्सरा नहीं मानती और स्वाति को उससे चेक लेने से मना करती है। लेकिन स्वाति अर्जुन का चेक लेकर उसे लाकर दे देती है, क्योंकि उसे उन दोनों के बीच में नहीं फंसना था। उस पर इतनी तंगी थी, फिर भी अप्सरा उस चेक को फाड़ देती है। अब कुछ देर बाद स्वाति उसे बताती है उनकी अगली फिल्म के प्रमोशन के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा जाने वाला है, जिसमें जो भी इस मूवी को अकेले थिएटर में देखेगा उसे 5 लाख का इनाम मिलेगा। अप्सरा को लगता है ये फिल्म बहुत खतरनाक होगी, लेकिन स्वाति बताती है ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है। अप्सरा को लगता है सब हॉरर मूवी एक जैसी होती है, लेकिन स्वाति बताती है ये माया की कहानी पर बेस है। अप्सरा ने माया के बारे में सुना नहीं था। स्वाति बताती है उन्होंने इस मूवी को असली लोकेशन पर शूट किया है, उस लोकेशन के बाद से ही उसे भूतों पर यकीन हुआ है। इस कॉन्टेस्ट में कोई भी पार्ट ले सकता है, लेकिन 5 कंडीशंस है। पहली, फिल्म पूरी देखनी पड़ेगी, बीच में इंटरवल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, उन्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा जिसके मुताबिक वो ये फिल्म अपने रिस्क पर देख रहे हैं। तीसरी कंडीशन, फिल्म देखते वक्त पलके झपका सकते हैं लेकिन आंखें बंद नहीं कर सकते, उन्हें कैमरा से मॉनिटर किया जाएगा। चौथी कंडीशन, पल्स रेट, हमेशा उनकी पल्स रेट नॉर्मल रहनी चाहिए मूवी के एंड तक। और 5वीं कंडीशन, ये फिल्म सिर्फ नाइट शो में ही देखनी होगी। अब उन दोनों के बात करते समय अप्सरा की बेटी के कमरे की लाइट फिर से बंद हो जाती है, तब हमें उसके पास किसी की परछाई नजर आती है। सीन फिर से वसंत की तरफ शिफ्ट होता है, उसे अंजलि कॉल कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है अंजलि पहले वसंत की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसने वसंत के ही बॉस राम से शादी कर ली। अब वो वसंत को कॉल करती रहती है, लेकिन वसंत उससे बात नहीं करता। फिर वो कमल को कई सारी फोटो दिखाता है जिसमें आत्मा जैसा कुछ लग रहा था। वसंत को लगता है फोटो में दिखने वाला इंसान स्मोक या फ्लैश का रिफ्लेक्शन है। तब वो कमल को कल रात की उनकी ही फोटो दिखाता है जिसमें वैसा ही रिफ्लेक्शन दिख रहा था। उसके ऑफिस में सब इसे माया समझ रहे हैं। कमल को भी लगता है फोटो में कोई है। तभी कमल को अंजलि का कॉल आता है क्योंकि वसंत उसका कॉल नहीं उठा रहा। अंजलि उसे बताती है 1 महीने पहले उसने राम को उन दोनों के अफेयर के बारे में बताया, तब से राम उससे बात नहीं कर रहा और अपना ज्यादातर वक्त एक फॉरेनर लड़की के साथ गुजार रहा है। अंजलि को वसंत से एक दोस्त की तरह से बात करनी थी क्योंकि अफेयर के पहले दोनों दोस्त थे। लेकिन कमल उसे समझाता है अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपने पति से शेयर करे और जिस इंसान से पहले अफेयर था उसके साथ फिर से दोस्ती नहीं हो सकती। कमल उसे वसंत का पीछा छोड़ने कहता है। उसी रात वसंत के घर मदन आता है। अब वसंत, मदन, कमल और उसकी वाइफ साथ में खाना खा रहे थे। मदन वसंत से माया की कहानी के बारे में पूछता है, लेकिन उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसे उन फोटोज के पीछे साइंटिफिक रीजंस लगते हैं। तब कमल की बीवी मदन से उसकी लिखी मतलब माया की कहानी के बारे में पूछती है। तब मदन बताता है शहर से 13 किलोमीटर दूर शिवगढ़ नाम के गाँव में एक असाइलम हुआ करता था। असाइलम के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। उस पर रिसर्च करके एक फॉरेनर लड़की ने एक बुक लिखी है। मदन की कहानी उस बुक से ही इंस्पायर्ड है। उस समय मेंटल अवेयरनेस के बारे में लोगों को पता नहीं था। जिनका कोई नहीं होता उनके
उनके रिश्तेदार उन्हें इस असाइलम में छोड़ दिया करते थे। वहाँ के लोगों को शॉक ट्रीटमेंट दी जाती थी। वहाँ जाने वाला अच्छा इंसान भी पागल हो जाता। वो लोग ट्रीटमेंट के लिए जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़े खंडर का इस्तेमाल किया करते थे। उस दौरान वहाँ माया नाम की एक लड़की आई। इस असाइलम में जिन भी लोगों को एडमिट किया जाता था उनका कोई नहीं होता। वहाँ लोगों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया जाता था। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला वहाँ के पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, चाहे उन पर कितने भी साइड इफेक्ट क्यों ना हो जाए। यहाँ तक कि उनके मरने के बाद भी उनकी लाशों का भी इस्तेमाल किया जाता था। उस जगह से कई लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वहाँ का एक गार्ड उन्हें गोली मार दिया करता था। मरने वाले लोगों को उनके सारे रिकॉर्ड के साथ हॉस्पिटल के पीछे ही दफना दिया जाता था। यहाँ तक कि उनकी सभी पर्सनल चीजें भी उन्हीं के साथ दफना दी जाती थी। वहाँ के अत्याचार देखकर वहाँ काम करने वाला एक आदमी भाग गया। उसके बाद कई लोग वहाँ से भागे। जब उन सबसे असाइलम के बारे में पूछा गया तब उन सभी को सिर्फ एक नाम याद आया, माया का। माया काफी अमीर लड़की थी। उसने दुनिया से छुपकर लव मैरिज की थी, लेकिन पहली ही एनिवर्सरी में उसे दो बातें पता चली। पहली कि वो प्रेग्नेंट है और दूसरी कि उसके हस्बैंड का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर है। उसी रात माया ने अपने पति के खाने में जहर मिलाकर उसे मार दिया। अब माया को पागल साबित करके असाइलम में भर्ती करा दिया गया। एडमिट होने के बाद वो किसी से बात नहीं करती, बस रूम में अपनी डायरी लिखती रहती। 8 महीनों बाद उसकी डिलीवरी हुई। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन असाइलम वालों ने उसके बच्चे को उससे दूर कर दिया। फिर उस बच्चे का क्या हुआ किसी को नहीं पता। असाइलम के सभी लोग उसके कमरे के सामने आकर माया तुम्हारा बच्चा हमारे पास नहीं है कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। कहा जाता है उसके ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट से माया अंधी हो गई। बाद में माया ने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। माया के साथ 3 चीजें दफनाई गई, एक उसकी लिखी डायरी, दूसरा चाबी से चलने वाला उसके बच्चे का खिलौना। माया के मरने के बाद लोगों को उसके वार्ड से उस खिलौने की आवाज सुनाई देती थी। और तीसरी चीज थी माया की डायमंड वेडिंग रिंग। माया को जब एडमिट किया गया तब वो रिंग उसके ही पास थी। हो सकता है उस रिंग को माया के साथ ही दफना दिया गया हो, या फिर जिस रिश्तेदार ने उसे असाइलम में भर्ती कराया था उसने वो रिंग चुरा ली हो। उस रिंग की कीमत आज के समय 14 करोड़ रुपए है। ये सुनकर कमल शॉक हो जाता है। माया को मरे 25 साल हो गए थे। कमल पूछता है किसी ने उस रिंग को ढूंढने की कोशिश नहीं की। तब मदन बताता है कई लोगों ने उस रिंग को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो भी वहां गया वो वापस नहीं आया। दरअसल एक बार एक आदमी उस रिंग को ढूंढने गया लेकिन वापस नहीं आया। फिर उसके कुछ दोस्त वहां गए लेकिन वो भी वापस नहीं आए। तब कुछ लोगों ने पुलिस कंप्लेन की। पंचनामे के बाद जब लोग उस जगह से जा रहे थे उन्हें लोगों के काम करने की आवाज आई। जब उन्होंने पास जाकर देखा वहां सिर कटे लोग काम कर रहे थे। इस हादसे के बाद वहां कोई नहीं जाता। अगर जाते भी है तो सिर्फ सुबह जाते हैं। रात में वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। अब कुछ देर बाद कमल मदन को छोड़ने जा रहा था। कमल ऑटो चलाता है लेकिन उनके जाते ही वसंत को दिखाई देता है। उसके सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक औरत खड़ी है। वसंत तुरंत उसे बचाने भागता है। वो भागता हुआ छत पर आता है। उसके पुकारते ही वो औरत नीचे कूद जाती है, लेकिन वसंत के देखने पर वहाँ कोई नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तभी उसके पीछे की लाइट ब्लिंक होकर बंद हो जाती है। जैसे ही वसंत पीछे पलटता है वो गिरते गिरते बचता है, क्योंकि अब छत की सेफ्टी वॉल गायब हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो औरत उस दीवार पर ही खड़ी थी। अब उसके पीछे की लाइट फिर से ब्लिंक होकर चालू हो जाती है और सामने देखने पर वो सेफ्टी वॉल फिर से वापस आ गई थी। वसंत उस दीवार को छूकर देखता है। उसे समझ नहीं आता अभी उसके साथ क्या हुआ। अब सीन अप्सरा की तरफ शिफ्ट होता है। वो ऑडिशन की रिहर्सल कर रही थी, लेकिन ऑडिशन देते वक्त उसके मुंह से अर्जुन का नाम निकल जाता है। फिर अप्सरा एक काउंसलर को अपनी कहानी सुनाती है। अर्जुन और वो कॉलेज से साथ थे। वो दोनों साथ में प्ले किया करते थे। पढ़ाई खत्म होते ही उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद भी दोनों ऑडिशन देते थे, लेकिन फिर भी दोनों बहुत खुश थे। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तब ही उसे एक फिल्म में लीड रोल मिल गया। तब अर्जुन ने उसे अबॉर्शन करवाने कहा, क्योंकि 2 महीनों में ही शूटिंग शुरू होने वाली थी। ये उसका बहुत बड़ा ब्रेक हो सकता था, लेकिन उसने अबॉर्शन करवाने से मना कर दिया। दरअसल उस समय अर्जुन के लिए पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अर्जुन ने उसे बच्चा और करियर में से एक को चुनने कहा। तब उसने अपनी बेटी मीरा को चुना। इसीलिए वो अर्जुन का घर छोड़कर स्वाति के घर आ गई। उसके पेरेंट्स डॉक्टर थे। उसकी प्रेगनेंसी के समय ही उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब उसकी बेटी मीरा 1 साल की हो चुकी है। तब से उसकी फ्रेंड स्वाति ही उसकी मदद कर रही है। जब भी पता चलता है वो एक सिंगल
मदर है उसे डायरेक्टर रोल नहीं देते, वो एड्स करके अपने खर्चे चला रही है। एक अच्छा ब्रेक मिलते ही उसकी सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी और वो अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश कर पाएगी। अब उस रात म्यूजिक ऑन करके अप्सरा किचन में काम कर रही थी, तभी लाइट चली जाती है और उसके पीछे से कोई गुजरता है। वो तुरंत इमरजेंसी लाइट लेकर अपनी बेटी के पास जाती है, लेकिन तब अप्सरा को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। उसे डर लगने लगता है। हॉल में आने पर उसे उस मूवी का पोस्टर फटा हुआ दिखाई देता है, जिस मूवी को अकेले देखने पर 5 लाख का इनाम है। तभी लाइट भी आ जाती है और दरवाजे पर कोई आया था। बाहर एक आदमी आया था जिसे अप्सरा को पैसे देने हैं। वो आदमी अप्सरा की एक नहीं सुनता, उसे अपने पैसे वापस चाहिए थे। अप्सरा उसे कल पैसे देने बोलती है क्योंकि उसके एड के पैसे कल तक मिल जाएंगे। अब वो आदमी उसे कल तक का टाइम देकर चला जाता है। अगली सुबह उसे बैंक से मैसेज आता है कि उसका जमा किया गया चेक बाउंस हो गया। उसे समझ नहीं आता अब वो क्या करे। वो एड प्रोड्यूसर को कॉल करने की कोशिश करती है जिसने उसे चेक दिया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो कहीं जाते हुए स्वाति को कॉल करती है। अप्सरा उस प्रोड्यूसर के ऑफिस जा रही थी, लेकिन स्वाति बिजी थी क्योंकि आज एक आदमी उस मूवी को देखने आ रहा है, इसीलिए वो बिजी है। वो अपनी बेटी को डे केयर में छोड़कर उस प्रोड्यूसर के ऑफिस पहुंचती है, लेकिन वो प्रोड्यूसर ऑफिस में नहीं था और उसका फोन भी ऑफ है। रिसेप्शनिस्ट उसे वेट करने कहती है। अब वहाँ इंतजार करते करते शाम हो जाती है, तभी उसे डे केयर से कॉल आती है। उसकी बेटी बहुत रो रही है, वो उसे 1 घंटे में आने कहती है। डे केयर की लेडी उसे इस महीने की फीस भी लाने कहती है। अप्सरा बहुत परेशान हो गई थी। उसके जाते समय ही वो रिसेप्शनिस्ट बताती है वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आरके के स्टूडियो गया है। अप्सरा तुरंत स्वाति को कॉल करती है क्योंकि स्वाति आरके के पास ही काम करती है और मूवी देखने आया वो आदमी भी वही है जिससे उसे पैसे लेने हैं। स्वाति जल्दी से अप्सरा को यहाँ आने कहती है। अप्सरा तुरंत ऑटो पकड़ती है। अब कहानी सीधा कमल की तरफ शिफ्ट होती है। कमल मदन को कहीं ले जा रहा था। यहाँ पता चलता है कमल वसंत का बचपन का दोस्त है और मदन अभी असाइलम की तरफ जा रहा है। उसे अपनी कहानी खत्म करनी है। दरअसल उसने सुना है उस असाइलम में मरे हुए पेशेंट्स को ले जाने के लिए एक स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया जाता था। लोगों का कहना है वो स्ट्रेचर आज भी उस असाइलम के पीछे बने कब्रिस्तान में दिखाई देता है और उस स्ट्रेचर पर हमेशा किसी न किसी की लाश जरूर होती है, इसीलिए मदन वहाँ जा रहा है। अगर ये बात सच हुई तो वो स्ट्रेचर की फोटो खींच लेगा। अब कुछ समय बाद दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। अब मदन उस स्ट्रेचर को देखने कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है। कमल काफी देर तक मदन का वही इंतजार करता है, फिर किसी आवाज से उसकी नींद खुलती है। कमल मदन को देखने कब्रिस्तान की तरफ जाता है। अब कमल उस अंधेरे जंगल में आगे बढ़ रहा था, तब उसे सामने जमीन पर मदन का कैमरा दिखाई देता है। कमल देखता है उस कैमरे में उस स्ट्रेचर की फोटो है और उस स्ट्रेचर पर किसी की लाश भी रखी है। कमल डरने लगता है। फोटो आगे बढ़ाने पर फोटो स्ट्रेचर के और पास आती जाती है और आखिरी फोटो उस लाश के ऊपर की थी। अब कमल बहुत ज्यादा डर गया था, वो मदन को पुकारने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी के स्ट्रेचर खींचने की आवाज आती है। अब कमल लाइटर जलाकर उस तरफ जा रहा था, तब थोड़ा आगे जाने पर उसे भी स्ट्रेचर दिखाई देता है और उस पर कोई लेटा हुआ था। अब कमल डरता हुआ उसके पास जाता है, लेकिन स्ट्रेचर के पास जाते ही उसका लाइटर गिर जाता है। अब कमल लाइटर ढूंढकर जैसे ही उसे जलाता है, मदन का भूत उठकर उसे देखता है। कमल डरकर तुरंत अपने ऑटो के पास आता है। उसका ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था, तब हमें ऑटो के सामने किसी की परछाई नजर आती है। जैसे ही कमल उस तरफ देखता है, किसी का हाथ ऑटो के ग्लास को तोड़ देता है और ये सीन यही कट हो जाता है। अगली सुबह वसंत घर के बाहर कमल का ऑटो देखता है। उसने कमल से कहा था मदन सर को सही सलामत वापस लेकर आना। वो तुरंत राम को कॉल करता है क्योंकि मदन का कल रात से कुछ अता पता नहीं। राम को भी कुछ पता नहीं था। वो उस जंगल के फॉरेस्ट गार्ड से पूछता है जो उस वक्त उसके साथ ही था। वो गार्ड कहता है उसने मदन को पहले ही वहां जाने से मना किया था। वही दूसरी तरफ वसंत मदन के बिल्डिंग के गार्ड से पूछता है। मदन बहुत शांत स्वभाव का आदमी था, लेकिन कुछ दिन पहले वो बिल्डिंग की छत की दीवार पर खड़े थे, सब लोगों ने उन्हें नीचे उतारा था। तब वसंत को ये अजीब लगता है क्योंकि यही घटना उसके भी साथ हुई है। अब रात में वसंत वापस आता है, तभी उसे कमल की बीवी का कॉल आता है क्योंकि कमल भी मिसिंग है। वसंत उसे ढूंढने निकल रहा था, तभी उसके सामने कमल आकर गिरता है। उसने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। वसंत उसकी लाश हाथ में लिए बहुत रोता है क्योंकि कमल उसका एक लौता दोस्त था जो बेमौत मारा गया। अगले दिन वसंत अंजलि के साथ बैठा था, वो उसे इमोशनल सपोर्ट दे रही थी, लेकिन
रेस्टोरेंट के बाहर से उन दोनों को राम देख रहा था। उसे लगने लगता है वसंत और अंजलि के बीच अफेयर्स फिर से शुरू हो गया। तभी उसे किसी का कॉल आता है। उसने किसी आदमी को कुछ काम करने के लिए बुलाया है। उसके गाड़ी में पैसे के साथ गन भी रखी थी। फिर राम वहां से चला जाता है। अब रात में वसंत कमल के ऑटो में बैठा उसकी फोटो देख रहा था जिसमें उन्हें माया दिखी थी। अब उसे मदन और राम की बात याद आती है कि उन्हें माया का नाम नहीं लेना था। अब सच का पता लगाने वो अपनी बाइक से कहीं निकल पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद वो शिवगढ़ के उस जंगल में पहुंचता है जहां उसे एक कार भी दिखाई देती है। लेकिन अब सीन अप्सरा की तरफ शिफ्ट होता है। वो आरके के स्टूडियो पहुंच रही थी। वो प्रोड्यूसर मूवी देख रहा था। तभी स्वाति बाहर निकलकर उससे बात करती है। आरके उस आदमी पर कैमरा के जरिए नजर रखे हुए था। साथ ही उसकी पल्स रेट भी चेक की जा रही थी। लेकिन कुछ देर बाद कैमरे का सिग्नल नहीं आता। इसीलिए आरके एक खिड़की से थिएटर के अंदर देखता है। अंदर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल उसे अपनी मूवी में वो आदमी दिखाई देता है जो सामने बैठा उसकी मूवी देख रहा है। आरके को पहले यकीन नहीं होता। उस आदमी की पल्स रेट भी बढ़ने लगती है। आरके प्रोजेक्टर बंद करने लगता है लेकिन प्रोजेक्टर बंद नहीं होता। उस आदमी की हालत खराब होने लगती है। आरके देखता है वो उस असाइलम के पास भागते हुए बोल रहा है, माया तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है। लेकिन मूवी के अंदर कोई उसे मार देता है। साथ ही उसकी पल्स रेट बढ़ने लगती है। तभी लाइन भी चली जाती है। आरके लाइट लेकर उस आदमी के पास जाता है। वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। जैसे ही आरके उसका सिर अपनी तरफ करता है उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। मतलब वो मर चुका था। वो भी डरकर तुरंत बाहर आता है। तब लाइन वापस आती है। तब मॉनिटर में उस आदमी के पीछे माया दिखाई देती है। अब कुछ देर बाद वहाँ अप्सरा पहुँचती है। लेकिन एम्बुलेंस और पुलिस उस आदमी की लाश ले जा रही थी। अप्सरा को उसी आदमी से पैसे लेने थे लेकिन अब वो मर चुका है। आरके को कुछ समझ नहीं आता आखिर ये सब क्या हुआ। पुलिस उससे पूछताछ करती है लेकिन उस आदमी ने पहले ही एग्रीमेंट साइन कर दिया था और वो हार्ट पेशेंट भी था। इसीलिए पुलिस आरके का बयान लेकर उसे छोड़ देती है। अब अप्सरा को भी समझ नहीं आता वो क्या करे। स्वाति भी शापित मूवीज पर थोड़ी रिसर्च करती है। आरके रात भर उस मूवी को फास्ट फॉरवर्ड करके देखता है क्योंकि उसने वैसा कोई सीन शूट ही नहीं किया था। आरके काफी परेशान था। वो अपने साथ काम करने वाले एक लड़के को बताता है उसने उस आदमी को उनकी ही मूवी में देखा। लेकिन वो लड़का यकीन नहीं करता क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई सीन शूट ही नहीं किया था। तब आरके उसे खुद मूवी चलाकर देखने कहता है लेकिन ये सुनकर उस लड़के की फट जाती है। दूसरी तरफ अप्सरा भी परेशान थी। अगली सुबह कर्जदार आकर उसके घर के बाहर तमाशा करता है और वो दरवाजा बंद करके अंदर रोती रहती है। उस रात स्वाति आरके के साथ कुछ काम कर रही थी। तभी उसे अप्सरा का कॉल आता है। दरअसल अप्सरा उस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना चाहती है। वो उस मूवी को अकेले देखेगी। स्वाति उसे मना करके फोन रख देती है लेकिन अप्सरा पहले से वहाँ आ चुकी थी। अब स्वाति आरके से बात करती है। आरके मना करने के बजाय अप्सरा को फिल्म देखने की परमिशन दे रहा था। स्वाति उसे बहुत मना करती है क्योंकि अप्सरा की एक साल की बेटी है और वो उसके पति अर्जुन को क्या जवाब देंगे। लेकिन आरके को बस अपनी मूवी के लिए पब्लिसिटी चाहिए। साथ ही वो स्वाति को बोलता है वो अगली फिल्म में अप्सरा को रोल देने वाला है। बस उसने अभी तक ये बात उसे बताई नहीं है और कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो फिल्म रोक देंगे। अब फिल्म देखने से पहले स्वाति अप्सरा को कुछ शापित मूवीज के बारे में बताती है जिनके बनते टाइम कई लोगों की मौत हुई थी और मूवी रिलीज होने के कुछ समय बाद उस मूवी के सभी लीड एक्टर्स की भी मौत हो गई। तभी वहाँ आरके आ जाता है। उसे इन मूवीज और उनकी मूवी में कोई कनेक्शन नजर नहीं आता। लेकिन स्वाति बताती है इस मूवी को बनाते समय आरके ने मूवी के अंदर किसी औरत के असली कंकाल का यूज किया है। जब से ही इस मूवी में प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन अप्सरा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो एग्रीमेंट साइन कर देती है। अब वो अपनी बेटी को किस करके फिल्म देखने जाती है। मूवी शुरू होने से पहले स्वाति फिर उसे समझाती है वो उसे पैसे दे देगी, वो अपनी जिद छोड़ दे। लेकिन अप्सरा नहीं मानती क्योंकि उस पर पहले ही स्वाति के बहुत एहसान है। अब स्वाति चली जाती है। अप्सरा के सामने कैमरा लगा हुआ था। फिर लाइट ऑफ होती है। बाहर से आरके अप्सरा पर नजर रखे हुए था। थोड़ी देर बाद मूवी शुरू होती है और यहाँ हमें पता चलता है शुरू से हम वसंत की जो कहानी देख रहे थे असल में ये वो मूवी थी जिसे आरके ने बनाया है। मतलब वसंत और कमल की कहानी सच नहीं थी, वो एक मूवी है। अप्सरा मूवी देखना शुरू करती है। कई जगह उसे डर लगता है। वो अपने सामने भी देखती है कि कोई बैठा हुआ तो नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद दो हाथ आकर उसकी आंखें बंद कर देते हैं। साथ ही कैमरा भी बंद हो गया था। स्वाति तुरंत थिएटर की तरफ भागती है लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं।
नहीं, अप्सरा अंदर बंद हो चुकी थी। स्वाति इसका सारा ब्लेम आरके को देती है। तब आरके उसे बताता है उस प्रोड्यूसर की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी बल्कि ये मूवी देखते समय हुई थी। तभी उन्हें अंदर से कुछ आवाज आती है, फिर हमें वो मूवी दिखाई जाती है वही से जब वसंत असाइलम पहुंचा था। और बड़ी हैरानी की बात थी, अप्सरा भी किसी तरह वही पहुंच गई थी, वो असाइलम के गेट के पास थी। अब अप्सरा असाइलम की तरफ जाती है, वही दूसरी तरफ वसंत भी वहाँ कुछ ढूंढ रहा था। तब उसे सामने दिखाई देता है वहाँ राम है, वो किसी आदमी से वहाँ बनी कब्र को खुदवा रहा है। वो आदमी एक कब्र को खोदता है लेकिन उसमें सिर्फ कंकाल था। वही दूसरी तरफ अप्सरा उस असाइलम के पास पहुंचती है। इस तरफ राम उस आदमी से कुछ ढूंढने बोल रहा था जो वो पिछले एक महीने से ढूंढ रहे है। वसंत उनकी फोटो खींच रहा था लेकिन तभी उसके पीछे कोई गन लगा देता है। दूसरी तरफ अप्सरा को कोई आवाज आती है। इस तरफ हमें पता चलता है वसंत को उस फॉरेनर लड़की ने पकड़ा है, वो भी राम के साथ मिली हुई है। अब राम पहले वसंत की तलाशी लेता है, उसे वसंत के पर्स में अंजलि की फोटो मिलती है। ये देखकर उसे और गुस्सा आ जाता है, वो वसंत को पंच मारकर गिरा देता है। वसंत उसे समझाने की कोशिश कर रहा था उसके और अंजलि के बीच कुछ नहीं है। तभी राम को कुछ आवाज आती है, जब वो टॉर्च से सामने देखता है उसे अप्सरा दिखाई देती है। वो अप्सरा को नहीं पहचानते लेकिन अप्सरा वसंत को देखकर सामने आती है। राम उससे पूछ रहा था वो कौन है लेकिन अप्सरा वसंत को ही देखे जा रही थी जबकि वसंत भी उसे नहीं पहचानता। पहले राम को अपना काम खत्म करना था इसीलिए वो कैथरीन को दोनों पर नजर रखने कहता है और वो उस आदमी के साथ कब्र खोदने लगता है। तभी वसंत के मोबाइल पर अंजलि का कॉल आता है, फोन राम के पास ही था। राम वसंत को कॉल उठाकर लाउड स्पीकर पर बात करने कहता है। अंजलि उसे बर्थडे विश करती है। ये सुनकर राम को और गुस्सा आ जाता है क्योंकि अंजलि उसकी बीवी है। वसंत उसे समझाने की कोशिश कर रहा था उन दोनों के बीच पहले जैसा कुछ नहीं है लेकिन तभी उस आदमी को एक कब्र मिलती है। राम और वसंत बात कर ही रहे थे लेकिन उस कब्र का ताबूत हिलने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस ताबूत को कोई अंदर से ठोक रहा हो। जब राम कब्र के पास आता है वो ताबूत फिर से हिलने लगता है। तब राम उस ताबूत पर शूट करता है जिससे उसका हिलना बंद हो जाता है। राम उस आदमी को ताबूत खोलने कहता है लेकिन वो आदमी नहीं मानता। तब राम वसंत को गन पॉइंट पर उस ताबूत को खोलने कहता है। वसंत उस ताबूत को खोलता है लेकिन उसमें कुछ नहीं था, बस मिट्टी थी। तब राम अपने आदमी को कब्र में भेजता है। फिर वसंत और वो आदमी मिलकर ताबूत को बाहर निकालते हैं। राम अपने आदमी को गन देकर उसे वसंत और अप्सरा पर नजर रखने कहता है। फिर राम और कैथरीन मिलकर उस ताबूत में कुछ ढूंढने लगते हैं। उसमें उन्हें माया की डायरी मिलती है। यहाँ हमें समझ में आता है वो माया की रिंग ढूंढ रहे हैं जिसकी कीमत 14 करोड़ है। कुछ देर बाद उन्हें ताबूत में माया के बच्चे का खिलौना मिलता है। राम उसे दूर फेंक देता है लेकिन तभी वो खिलौना शुरू हो जाता है। उसमें म्यूजिक बजने लगती है, फिर तेज हवाएं चलने लगती है और उनके पीछे की कब्र में से माया निकलती है और ऊपर हवा में खड़ी हो जाती है। उसे देखकर सब शॉक रह जाते हैं। उसे देखते ही कैथरीन वहां से भाग जाती है और राम भी गिरता पड़ता वहां से भागता है। वसंत भी वहां से भागता है लेकिन अप्सरा वही फ्रीज हो गई थी। लेकिन वसंत आकर उसे वहां से ले जाता है लेकिन वो आदमी वही जम गया था। वो खिलौना फिर से बचता है। अब वो आदमी पोजेस हो चुका था। फिर वो आदमी खुद को शूट कर लेता है। उस आदमी ने 4 कब्र खोदी थी जिसमें से एक कब्र उसकी खुद की बन गई। अब 3 कब्र बची है और 4 लोग वसंत, अप्सरा, राम और कैथरीन चारों अलग अलग भाग रहे थे। अब वो खिलौना फिर से बचता है। तब कैथरीन भागते हुए पानी में गिर जाती है। जब वो पानी से अपना सिर निकालती है उसके साथ और कोई भी अपना सिर निकालती है। अब धीरे धीरे उसके चारों तरफ मरे हुए लोगों के सिर थे। अब जैसे ही वो खड़ी होती है उसने असाइलम के कपड़े पहने हुए थे। फिर वो सभी उसे पानी के अंदर खींच लेते हैं। कब्रस्तान में एक और कब्र बन जाती है। अब 2 कब्रें बची हुई थी। अब अप्सरा और वसंत भाग रहे थे, दोनों काफी थक चुके थे। तभी उन्हें सामने कोई काम करता हुआ दिखाई देता है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे ही वसंत अपने कैमरा की फ्लैश से उसे देखता है उस आदमी का सिर ही नहीं था। ये देखकर दोनों डरकर दूसरी तरफ भागने लगते हैं लेकिन दोनों भागते हुए एक बहुत ही बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं। अब असाइलम के बाहर की तरफ अपनी जीप में बैठकर वो फॉरेस्ट गार्ड राम को कॉल कर रहा था क्योंकि वो भी एक महीने से राम की उस रिंग को ढूंढने में मदद कर रहा है। अब कुछ समय बाद उसे लगता है कोई जीप के पीछे की तरफ से उसके पास आ रहा है लेकिन कोई नहीं आता। लेकिन जब वो अपने बाजू देखता है खिड़की पर अपने दोनों हाथ रखे मदन का भूत उसे ही घूर रहा है। अब वो अपनी हिम्मत जुटाकर गन लिए जीप से उतरकर उस तरफ जाता है लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। अब वो असाइलम की तरफ बढ़ने लगता है। इस तरफ राम भाग रहा था, उसे
समझ नहीं आता वो किस तरफ जाए। वो अपने टॉर्च से सामने देखता है, सामने उसे एक सिर कटी औरत दिखाई देती है। उसके ही पास किसी ने पेड़ को पकड़ा हुआ था और उसके सामने से एक औरत गुजरती है। राम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था लेकिन तभी उसके पीछे से कोई भागता हुआ आता है और उसके आगे निकल जाता है। तब उसे किसी चीज की आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है असाइलम के गार्ड का भूत उसे गोली मार देता है, जैसा वो असाइलम से भागने वाले पेशेंट्स को मारा करता था। राम के मरने पर ऊपर से उसे माया देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ अप्सरा और वसंत उस गड्ढे में थे। वसंत उससे फोन मांगता है लेकिन माया के पास फोन नहीं था। वो पूछता है वो यहाँ कैसे पहुंची लेकिन अप्सरा कोई जवाब नहीं देती। फिर वसंत उसे बाहर निकालता है। अब अप्सरा उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका हाथ वसंत तक नहीं पहुंचता, इसीलिए वो अप्सरा को अपनी जान बचाकर यहाँ से जाने कहता है। वो किसी तरह यहाँ से निकल जाएगा। अप्सरा जाना नहीं चाहती थी लेकिन वसंत उसे जाने के लिए जोर देता है, इसीलिए अप्सरा वहाँ से भाग जाती है। इस तरफ वो फॉरेस्ट गार्ड किसी खंडर के पास पहुँचता है। वो टॉर्च से वहाँ देख रहा था। रोशनी पड़ने पर एक आदमी कमरे के अंदर जाता है लेकिन जब वो गार्ड वहाँ जाकर देखता है वहाँ कोई नहीं था। बाहर आने पर उसकी जीप खड़ी थी और कुछ ही सेकंड्स बाद उसके लाइट फूट जाते हैं। अब डरकर वो गार्ड भागने लगता है। वसंत भी किसी तरह उस गड्ढे से निकल जाता है। अप्सरा भी भाग रही थी लेकिन तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। उसे लगता है ये उसकी बेटी मीरा की आवाज है। अप्सरा उस आवाज की तरफ बढ़ती है। सामने अम्ब्रेला जैसा शेप बना हुआ था और उसके अंदर एक झूला था। अप्सरा डरते हुए उसके अंदर जाती है लेकिन उस झूले में कोई बच्चा नहीं बल्कि आईना था जिसमें अप्सरा खुद को देखती है। तभी आवाज आती है, मेरा नाम माया है। साथ ही अप्सरा को असाइलम की आवाजें सुनाई देती है जिसमें माया अपने बच्चे के लिए रो रही थी। अब अप्सरा डरकर वहां से बाहर निकलती है लेकिन तभी उसे कोई शूट कर देता है। अप्सरा को उस गार्ड ने गलती से शूट कर दिया था। अप्सरा गिर रही थी लेकिन तभी ही दो हाथ आकर उसे गिरने से बचाते हैं। ये माया थी। अप्सरा भी उसे देखकर हैरान थी। ये देखकर वो गार्ड वहां से भागने लगता है। अप्सरा बेहोश हो जाती है। तब माया उसकी तरफ देखकर जोर से चिल्लाती है जैसे वो रो रही हो। अब वो गार्ड अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा था। तभी उसे सामने वो स्ट्रेचर दिखाई देता है, उस पर किसी की लाश भी रखी थी। गार्ड उसके सामने जाता है लेकिन वो लाश हिलने लगती है। तब गार्ड उस लाश को शूट कर देता है। अब जैसे ही वो उस लाश का चेहरा खोलता है उस लाश को देखकर गार्ड एकदम हैरान था क्योंकि वो उसी की लाश थी। फिर वो देखता है जो गोलियां उसने चलाई थी वो उसे ही लग गई है। इस तरह वो गार्ड भी मारा जाता है और स्ट्रेचर से लाश गायब हो गई थी और अब कब्रस्तान में चारों कब्रें बन चुकी थी। अब वसंत वहां आता है। वो देखता है उस अम्ब्रेला के अंदर अप्सरा का सिर माया के गोद में है और उस अम्ब्रेला की चारों तरफ फूल खिल रहे हैं। अप्सरा को भी होश आता है और यहाँ उसे समझ में आता है माया उसकी माँ है। वो बच्चा जो असाइलम वालों ने उससे छीन लिया था वो बच्चा और कोई नहीं अप्सरा ही है। माया ने जानबूझकर इस मूवी के पोस्टर को फाड़ा था ताकि अप्सरा इस मूवी को देखने आए। फिर ये सीन यही कट होता है। अब अप्सरा की आंखें खुलने पर वो देखती है वो थिएटर में ही है। उसे कोई चोट नहीं आई और उसके गोद में उसकी माँ मतलब माया की डायरी और उसका खिलौना है। उस डायरी में अप्सरा अपनी माँ की फोटो देखती है। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है। ये देखकर अप्सरा रोने लगती है। तभी लाइट भी वापस आती है और स्वाति अप्सरा के पास भागती हुई आती है। उसके पास डायरी और वो खिलौना देखकर वो भी हैरान थी। तभी वहाँ अर्जुन उनकी बेटी को लेकर आता है। अप्सरा उसके गले लग जाती है और यहाँ पता चलता है वसंत और कोई नहीं अप्सरा का पति अर्जुन ही है। बाद में अप्सरा अर्जुन को बताती है जो कुछ उसने देखा उसे सपने जैसा लग रहा है। माया ने अपनी डायरी और खिलौना अप्सरा को दे दिए थे लेकिन उसकी रिंग का कुछ पता नहीं चला। स्वाति को लगता है उसे भी माया के साथ ही दफनाया गया होगा लेकिन अर्जुन बताती है अप्सरा की माँ मतलब माया को जिस आदमी ने असाइलम में भर्ती कराया था उसके पास ही वो रिंग थी। वो माया की रिंग चुरा कर अपने साथ ले गया था और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही था जिससे अप्सरा को पैसे लेने थे, जो ये मूवी देखते वक्त मरा था। वो ये मूवी देखने इसीलिए आया था क्योंकि उसे जानना था उसके बारे में इस मूवी में कुछ बताया तो नहीं गया। उसके मरने से पहले वो रिंग उसके ही पास थी लेकिन बाद में वो रिंग कहां गई किसी को नहीं पता, लेकिन अप्सरा को वो रिंग नहीं चाहिए थी। फिर हम देखते हैं इस मूवी को काफी पब्लिसिटी मिल चुकी है और आरके अनाउंस करता है वो इस मूवी का प्रीक्वल बनाने वाला है जिसमें माया की कहानी दिखाई जाएगी और इस मूवी के लिए वो अप्सरा को कास्ट करता है क्योंकि अप्सरा माया की बेटी है। वो दोनों फिल्म को साथ में
रिलीज करने वाला है। अब कुछ समय बाद हम उस असाइलम के खंडर को देखते हैं, लेकिन वहाँ शूटिंग चल रही थी। वहाँ हम राम को देखते हैं जो जिंदा है। आर के शूटिंग की तैयारी कर रहा था, जिसमें व्हीलचेयर पर बैठी माया का एक शॉट लेना है, लेकिन एक रूम में कोई खड़ा था, लेकिन वो अप्सरा थी। उसे देखकर अर्जुन डर गया था। अब स्वाति आरके को बताती है उनका क्रू वो रिंग लाना भूल गया है जो अप्सरा को शूटिंग के समय पहननी है। आरके उसे डांटकर भेज देता है। यहाँ हमें पता चलता है माया के रिंग आरके के पास है, जो उतार कर वो अपनी जेब में रख देता है। दरअसल उस आदमी के मरने के बाद आरके ने उस रिंग को चुरा लिया था। हर समय उसने वो रिंग पहन रखी थी, लेकिन किसी को नहीं बताया वो रिंग उसके पास है। अब इस तरफ अप्सरा नर्वस हो रही थी, क्योंकि ये उसकी पहली फिल्म है जिसमें वो अपनी माँ का ही रोल कर रही है। उसे देखना होगा उसकी माँ ने क्या क्या झेला है। अर्जुन उसे मोटिवेट कर रहा था, तभी वहाँ स्वाति आती है, क्योंकि थोड़ी देर में शॉट रेडी हो जाएगा, और अर्जुन को आरके बुला रहा है। अब थोड़ी देर बाद शॉट रेडी हो जाता है और शूटिंग शुरू होती है। अप्सरा व्हीलचेयर पर बैठी थी, कैमरा उसे रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन तभी माया का वो खिलौना फिर से बजने लगता है। फिर हम माया को देखते हैं, वो शूटिंग लोकेशन की तरफ आ रही थी। अर्जुन और स्वाति शूटिंग देख रहे थे, लेकिन माया उस तरफ बढ़ रही थी। कुछ सेकंड्स बाद कोई स्वाति के कंधे पर हाथ रखता है। अर्जुन और स्वाति देखकर शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वो तो अप्सरा है। फिर व्हीलचेयर पर कौन बैठा है, लेकिन तभी आरके अपनी कुर्सी से गिर जाता है। ये देखकर सब शॉक रह जाते हैं, क्योंकि आरके मर चुका था और उसकी जेब में रखी रिंग अप्सरा के पास आकर गिरती है। फिर सब डरते हुए माया की तरफ देखते हैं, फिर माया उनकी तरफ देखती है। उसके देखते ही ये मूवी यही खत्म होती है। अब आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आए होंगे, तो चलिए मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले, अगर माया की मौत 25 साल पहले हो गई थी, तो उसने अपना बदला तभी क्यों नहीं ले लिया? तो इसका जवाब मूवी में है। स्वाति ने बताया था आरके ने इस मूवी की शूटिंग असली लोकेशन मतलब असाइलम में की थी, और उसने नकली कंकाल की जगह किसी औरत के असली कंकाल का इस्तेमाल किया था। तो हो सकता है वो कंकाल माया का ही रहा होगा, जिससे वो आजाद हुई और इस मूवी से किसी तरह जुड़ गई। अब दूसरा सवाल, हमने जो ब्लैक एंड व्हाइट में देखा, क्या वो सच में हुआ था? तो नहीं, वो मूवी थी जो आरके ने बनाई थी, जिसके लीड रोल में अर्जुन को कास्ट किया गया था। उसमें मदन जो माया की कहानी बताता है, उसे छोड़कर सब झूठ था। तीसरा सवाल, जब अप्सरा असाइलम के पास गई थी, तब तो उसे पता था अर्जुन उसका हस्बैंड है, तो उसने अर्जुन को कुछ कहा क्यों नहीं? ये बात तो सीन में दिखाई देती है। अप्सरा ने अर्जुन को पहचान लिया था, लेकिन सब उसे वसंत कह रहे थे और उसने अप्सरा को पहचाना नहीं था। अप्सरा उससे नाराज थी, उससे भी ज्यादा वो कंफ्यूज थी कि वो यहाँ कैसे आई, इसीलिए उसने अर्जुन से कुछ नहीं कहा। अब चौथा सवाल, अप्सरा ने जो देखा वो सच था? तो जी नहीं, वो सब एक सपना था जो माया उसे दिखा रही थी, ताकि उसे बता सके वो उसकी माँ है। वो सब असलियत में नहीं हुआ, क्योंकि राम का कैरेक्टर निभाने वाला एक्टर हमें मूवी के एंड में बिल्कुल जिंदा दिखा था। अगर वो जिंदा है तो बाकी कैरेक्टर भी जिंदा हो गए। अब पांचवा सवाल, माया ने कितने लोगों को मारा? तो मेरे अंदाजे से माया ने 5 लोगों को मारा है। वो कोई बुरी आत्मा नहीं थी जो उसके नाम लेने वाले को मारती फिरे। सबसे पहले वो आदमी जिसके पास उसकी रिंग थी और उसने ही उसे असाइलम में भर्ती कराया था। दूसरा आरके, जिसने लालच में आकर उसकी रिंग चुराई थी। तीसरे और चौथे अप्सरा के माँ बाप। दरअसल अप्सरा ने बताया था उसके माँ बाप डॉक्टर थे, तो हो सकता है उसके माँ बाप उस असाइलम के ही डॉक्टर्स हो और उन्होंने माया से छीन कर अप्सरा को पाला हो। उनकी मौत भी अप्सरा की प्रेगनेंसी के समय हुई थी और उस समय ही इस मूवी की शूटिंग चल रही थी, तो आजाद होकर माया ने सबसे पहले उसके माँ बाप को ही मारा था। और पांचवा, माया का पति जिसे उसने अपने जिंदा रहते उसके खाने में जहर देकर मारा था। आई होप मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा कंक्लूजन, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।